वक्त के इस बंधन को जब मजबूत और एकजुट रहने की जरूरत है, उसी बीच ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी जीत पाएगी, ये संभव होता हुआ नहीं दिखता। नहीं, नीतीश जी के एग्जिट के बाद अब ये इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, ये तार तार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का दंभ और दुस्साहस का नतीजा है कि ममता बनर्जी इधर अलग सुर अलाप रही हैं। पंजाब में मान साहब ने घोषणा कर दिया कि वो सारी सीटों पर लड़ेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी के सुपुत्र, उन्होंने घोषणा कर दिया कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है, फेयरवेल टू इंडिया गठबंधन। इस बीच वो बयान जो संसद में अपने वक्तव्य के दौरान वो कह रहे थे, इस बार 400 पार, हालांकि भाजपा इसे कांग्रेस की स्वीकारिता के तौर पर देख रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो एक तंज था, उनका एक व्यंग था, आप कैसे देखते हैं? कई बार तंज और व्यंग जो हैं हकीकतों में बदल जाते हैं, जैसा इस बार होने जा रहा है। दूसरी ओर जो चंडीगढ़ में हुआ मेयर चुनाव को लेकर, उस पर हमारा काफी हमलावर है बीजेपी पर, मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, आप उस चुनाव नतीजे को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये मामला विचाराधीन है अदालत के अंदर, उस पर कोई प्री मैच्योर टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन गठबंधन के घटक दलों को, अपने पार्षदों को भी संयम में रखने की सीख देनी चाहिए। राहुल गांधी झारखंड में अब सरकार बनने जा रही है, जिस गठबंधन की सरकार पहले थी, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि भाजपा झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। अगर घटक दल के इंडिया के साथी लोग अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं वहाँ के जीएमएम के नेतृत्व में, तो सरकार बदले रहे से क्या फर्क?